आइए दोस्तों, पहाड़ से होते हम लोग वापस, हम लोग मांडू के अगले साइड पे जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप ये भी नज़ारा भी कवर करें कि आपको कैसे जाना है। तो देखिए, पहाड़ से होते हम लोग जा रहे हैं, पहाड़ चढ़ते हुए आप यहाँ देख पाएंगे। यहाँ से मैंने इसलिए कवर किया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे हम लोग को कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है। और यहाँ पर सामने भी मैं आपको भी साइड दिखाऊंगा तो काफ़ी शानदार नज़ारा है, क्योंकि पहाड़ों के बीच के ऊपर मांडू को बसाया गया है। तो पहाड़ों के ऊपर है, मतलब पहाड़ से आप जब नीचे देखेंगे तो काफ़ी गहराई आपको दिखाई देगी और काफ़ी शानदार नज़ारा है। वही अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ बाएं हाथ में। लेकिन देखिए कितना ऊपर हम लोग चढ़ के जाना है। हाँ दोस्तों, तो जिस ऊंचाई की गहराई की बात मैं कर रहा था वो ये है, ये नज़ारा भी आपको देखना चाहिए। देखिए ठीक पीछे, देखिए पूरा अनगिनत सीताफल के पेड़ दिखेंगे आपको। इसलिए यहाँ पर सीताफल बहुतायत में यहाँ कराई जाती है। कुछ लोग यहाँ बैठे भी हुए हैं, उनसे भी मैं थोड़ा रास्ता जानने की कोशिश करता हूँ। भैया मांडू यहीं से है ना, यहीं से जाना है? यहाँ एक भाई साहब बैठे हुए हैं, मैंने उनसे पूछा है। यहाँ से लग गया ना? नहीं, रास्ता यहीं से है ना, ये रास्ता यहीं पे रास्ता यहीं से जाना है ना, जहाँ से जा रहा हूँ मैं। रोड पे वहीं से भी जाएगा, वहीं किधर भी जाएगा तो वहीं। वही है ना, यहाँ से जाऊँ ना, बीच बीच पड़ेगा ना महल महल। अभी मेरे से आती है आगे, तो आज मैं आऊँ आगे महल। हाँ तो रास्ता यही है ना। ठीक है दोस्तों, ये भाई साहब बता रहे थे कि अगर आपको पैदल जाना है तो आप यहाँ से जाएं, नहीं तो मैं आपको रोड भी दिखाता हूँ। अगर आप अपने गाड़ी वगैरह में आएंगे तो ये नीचे देख पा रहे हैं रोड है यहाँ। ठीक है, अब क्योंकि मैं तो पैदल जा रहा हूँ इसलिए मैं ये रास्ता चुनता हूँ। और यहाँ देखिए कितना शानदार नज़ारा है। अब आप ही अनुभव कर सकते हैं जब ये उस समय कितना भव्य रहा होगा और किस प्रकार राजा रानी और बाकी राज किले से जो राजमहल के लोग रहते होंगे कैसे यहाँ आना जाना करते होंगे। काफ़ी भव्य नज़ारा, पत्थरों को देखिए तराश के बनाया गया, बहुत बढ़िया। ये देखिए दोस्तों, एंट्रेंस में हमको दो गेट हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं। ये तो मैं ये भी कवर करता हूँ स्नैपशॉट लेके।
दोस्तों हम लोग बहुत ही एक मांडू के अगले पड़ाव या कहें साइट के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। साइट का नाम है उजाला बावड़ी। तो बावड़ी से आपको समझ में आया होगा कि क्या है ये। बावड़ी जो है कुएं को कहा जाता है। तो पुराने समय में एक अलग तरह की कुआं बनाया जाता था जो पानी को अलग तरीके से जमा करके रखता था। तो अब यहाँ देखते हैं कैसा वो बावड़ी के बारे में बता रहा है। तो हम लोग के मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कितने शानदार ये आप देख सकते हैं पत्थर। यहाँ पर आपका एंट्रेंस में बड़े बड़े पत्थर जो कि त्यों हैं जैसे पहले बनाए गए थे आज भी। बहुत बढ़िया शानदार, देखिए बावड़ी का नज़ारा यहाँ देखने को आ रहा है। तो मांडू का एक और अजूबा, तो मैं आपको करीब से भी ले जाता हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो। देखिए कितने शानदार तरीके से पत्थर को तराश के दीवार बनाया गया है। पूरा सीढ़ी पत्थर से, मतलब ये अविश्वसनीय है। तो एक बार यहाँ मांडू आए, इंदौर आए तो मांडू आए, मांडू आए तो बावड़ी, ये जो उजाला बावड़ी ये भी ज़रूर आए। ये काफ़ी गहरा है, डेंजरस है ये तो। हाँ पानी भी भरा हुआ है यहाँ, आप सोच सकते हैं कितना शानदार नक्काशी करके बनाया गया है। मैं आपके लिए यहाँ भी कवर कर रहा हूँ। देखिए देख के चलना होगा, काफ़ी ख़तरनाक है। ये देखिए मैं अभी बावड़ी के ठीक यहाँ मैं आपको पलट के दिखाता हूँ। बावड़ी में देखिए कैसे पानी भरा हुआ है और कितना भव्य, कितना बड़ा, कितना ह्यूज है ये बावड़ी। कितना डिज़ाइन वगैरह बहुत शानदार लग रहा है यहाँ। तो यहाँ से भी मैं एक फ़ोटो लेता हूँ आपको, लेकिन हमें यहाँ से उतर करना होगा। दोस्तों यहाँ पर एक सीढ़ी भी है, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से बावड़ी का नज़ारा दिखा पाऊँ। और देखने में काफ़ी डेंजरस है ये, तो यहाँ हमको सावधानी बरतनी होगी। देखिए ऊपर से भी बावड़ी का व्यू दिखाऊंगा, कितना शानदार पानी भरा हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उस दौर में भी कैसे पानी को संरक्षित रखा जाता था। और हम लोग आज 21वीं सदी में पानी के लिए कितना तराही तराही माम फेस कर रहे हैं। ऊपर से आपके लिए व्यू दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप, यहाँ से और भी क्लियर हो रहा होगा आपको बावड़ी। यहाँ पर छोटा सा महल जैसा बना वो भी देखते हैं। आगे दोस्तों टूटा मूटा महल रूपी दिख रहा है, वो भी हम लोग जाके देखते हैं। यहाँ से दिख रहा है अंधेरी बावड़ी, शायद एक और बावड़ी है। तो पहले वहाँ चलते हैं दोस्तों, मैं आपको पीछे कवर करने के लिए दिखाता हूँ। मैं यहाँ नाम दिया गया अंधेरी बावड़ी। अरे अंधेरी बावड़ी क्यों है, आइए आके हम लोग मुआयना करते हैं। अंधेरी बावड़ी, ये रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। ये क्या ऊपर से जाना है क्या, यहाँ चढ़ने का है, ऊपर ही है मेन।
यहाँ पर एक भैया गुजर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर गाइड किया हमको यहाँ से। अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ सीढ़ी तो यहाँ टूट गया था, यहाँ पत्थर में छोटा सा सीढ़ी है, मैं यहाँ से चढ़ता हूँ। यहाँ पर मैंने मोबाइल रखा है। देखिए दोस्तों, बैग भी मैं उतार देता हूँ। दोस्तों ऊपर आ गए हम लोग अंधेरी बावड़ी में, अब देखते हैं इसको बावड़ी, अंधेरी बावड़ी क्यों कहा जाता है। देखिए दोस्तों, भव्य कुआं बनाया गया है, एकदम अंधेरा लग रहा है, एकदम काला काला लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कवर करके। देखिए दोस्तों, काफ़ी डेंजरस है ये अंधेरी बावड़ी, इसलिए आगे पूरा एकदम अंधेरा लग रहा है, शायद इसीलिए नाम दिया गया हो। तो आप देखिए, हमने एक बावड़ी हमने वहाँ देखा, एक बावड़ी हमने यहाँ देखा, तो पानी को लेकर कितना शानदार इनका मैनेजमेंट रहा आप इमेजिन कर सकते हैं। और यहाँ भी, यहाँ पर एक और टूटे फूटे यहाँ महल जैसा दिख रहा है, वो भी जाके देखते हैं दोस्तों, काफ़ी शानदार लग रहा है। यहाँ से तो एक फ़ोटो भी लेना चाहिए, इसलिए यहाँ से मैं एक फ़ोटो लेता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पीछे हम लोग यहाँ जाने वाले हैं।